सूर्य ग्रहण से संबंधित और भी कई ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है कि जो ग्रहण के बाद बचे हुए भोजन का क्या करें, कहाँ स्नान करना है, कहाँ क्या चीज़ करने से आपको फ़ायदा मिलता है, क्या चीज़ें आपको दान करनी चाहिए, इसका संपूर्ण विवरण आज के वीडियो में देने को उपस्थित हुई हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और सूर्य ग्रहण उनका बाल भी भांका ना करे। इसी आशीर्वाद को आपके समक्ष प्रेषित करते हुए आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ जो आपके बहुत काम का है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 25 अक्टूबर यानी आज के दिन जो ग्रहण लग रहा है वो ग्रस्तास्त खंडग्रास सूर्य ग्रहण की श्रेणी में आ रहा है और उसको स्टार्टिंग का जो समय है 16:39 के आसपास है। एक्यूरेट आपको बताते हैं, 16:15 के लगेगा। ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार हम आपको बता रहे हैं 16:15 से 17:30 के मध्य अलग अलग समय पर प्रारंभ होगा। और ये ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है, ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण की श्रेणी में आता है और ये समाप्त होगा सूर्यास्त होने के बाद में। तो आपको हमने जानकारी दी इस वीडियो में और आगे की फर्दर जानकारी लेने के लिए कंटिन्यू बने रही है चैनल पर, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण स्वाति नक्षत्र और तुला राशि में हो रहा है। तो इस नक्षत्र और राशि में जन्म लेने वाले लोगों के लिए विशेष अशुभ रहेगा। उनको सूर्याष्टक मंत्र जपना चाहिए, सूर्याष्टक स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। हम बता चुके हैं पूर्व वीडियो में, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अभी के अभी देखिए। हमारा आज का टॉपिक है कि ग्रहण के बाद बचे हुए भोजन का क्या करें। उसको गाय को भी नहीं देना है, उसको जीव जंतु ग्रहण ना करें ग्रहण का भोजन, क्योंकि ये पाप की श्रेणी में आता है। तो आपको जमीन में दबा देना है, माता धरती का आशीर्वाद लेते हुए क्षमा मांगते हुए अन्न को अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर आपके द्वारा ये पाप होने जा रहा है तो एडवांस में ही माँ धरती से क्षमा मांग लें, अन्नपूर्णा माँ से क्षमा मांग लें अपने हर कृत्य के लिए। लेकिन आपको गाय को भी नहीं खिलाना चाहिए, गाय को खिलाने से आप दोषी हो जाते हैं और गाय को ग्रहण वाला खाना आपको नहीं खिलाना है। किसी भी जीव जंतु को ग्रहण वाला खाना आपको नहीं खिलाना है। आपको संभव हो तो गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन गंगा नदी में हर कोई नहीं जा सकता, तो उसको गंगा जल पानी के स्नान के पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। तुला राशि और जो स्वाति नक्षत्र वाले हैं वो 7 स्नान करें गंगा जल के पानी में, गंगा जल डालकर सामान्य पानी में, तो ज़बरदस्त उनको लाभ मिलता है। तो उनको तुलसी के पत्ते डालकर भी स्नान करना चाहिए, 7 तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और शुद्धता उनके जीवन में आती है। तो ऐसे स्नान करना है। और आपको जो दान देना है वो राशि वाइज मैं आपको बताती हूँ, राशि वाइज आपको कौन सा दान देना है। पदार्थ दक्षिणा रख के देना है, 1-2 रुपये का सिक्का रखें, ये आपके ऊपर है कितना भी आप दक्षिणा दे दीजिए, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा या मंदिर में दक्षिणा देकर ही आपको दान करना चाहिए। मेष लग्न वाले या मेष राशि वालों को हरे मूंग साबुत मूंग का दान करना चाहिए दक्षिणा सहित। वृषभ वालों को लाल मसूर का दान करना चाहिए, चने की दाल का दान भी उनके लिए शुभ होगा। मिथुन वालों को लाल मसूर का दान करना चाहिए, कर्क वालों को काले उड़द दान करने चाहिए, सिंह वालों को काले उड़द दान करना चाहिए, कन्या वालों को लाल मसूर की दाल दान करनी चाहिए। कोई भी लाल चीज़ वो दान करते हैं तो उनको शुभ परिणाम मिलेंगे और अशुभता में कमी आएगी। तुला लग्न वाले या तुला राशि वाले चने की दाल का दान करें, वृश्चिक लग्न वाले या राशि वाले हरे मूंग दान करें, धनु लग्न वाले काले उड़द का दान करें, मकर लग्न वाले चने की दाल का दान करें, कुंभ लग्न वाले या राशि वाले चने की दाल का दान करें, मीन लग्न वाले गेहूं का दान करें तो उनको फायदा होगा। मकर लग्न वाले और मकर राशि वाले क्षमा कीजिए गेहूं का दान करें तो उनको फ़ायदा होगा, गेहूं का दान उनके लिए शुभ होता है। तो मकर लग्न वालों को या राशि वालों को गेहूं का दान शुभप्रद रहेगा।
जो जो ग्रह के कलर होते हैं उन उस कपड़े में बांधकर आपको दान करना चाहिए। मेष लग्न वालों को हरे कपड़े में दान करना चाहिए, हरे कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर दान करना चाहिए। वृषभ लग्न वालों को लाल कपड़े में कोई भी चीज़ बांधकर दान करना चाहिए। मिथुन लग्न वालों को भी या राशि वालों को भी लाल कपड़े में बांधकर दान करना है। कर्क लग्न वालों को या राशि वालों को काले कपड़े में बांधकर दान करना है। कोई भी चीज़ हमने बताई है वो चीज़ काले कपड़े में बांधकर दान करें। सिंह लग्न वालों को या राशि वालों को भी काला कपड़ा लेना है। कन्या लग्न या राशि वाले लाल कपड़ा लेवें। तुला लग्न वाले पीला कपड़ा लेवें। वृश्चिक लग्न वाले हरा कपड़ा लेवें। धनु लग्न वाले काला कपड़ा लेवें। मकर लग्न वाले भगवा कलर का कपड़ा लेवें। कुंभ लग्न वाले पीले रंग का कपड़ा लेवें या लाल रंग का कपड़ा लेवें। मीन लग्न वाले भगवा कलर का कपड़ा लेवें तो उनको फ़ायदा होगा। दान का कपड़ा भी हमने आपको बता दिया, तो इस कपड़े का दान और सामग्री भी आपको बता दी, तो उसको सामग्री को दक्षिणा सहित दें और दान करें। ग्रहण के दौरान अपना पहना हुआ कपड़ा दान करना, कट लगा दीजिए, श्रेष्ठ माना जाता है। तो ग्रहण काल में जो कपड़े आप पहनते हैं गरीबों को दान करें, इससे आपका पुण्य प्रभाव बढ़ जाएगा। कट करके दान करें। जिनके लिए ग्रहण अशुभ है उनको कोई भी जो कपड़ा बताया है उस रंग का कपड़ा पहने और दान कर दीजिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो दान का बहुत महत्व होता है ग्रहण काल में। जिनकी कुंडली में जन्मकालिक ग्रहण योग है उनको तो दान अवश्य ही करना चाहिए, और जो चीज़ें हमने बताई उन चीज़ों से संबंधित आप दान करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो आपके लिए खास था, और ऐसे ही निरंतर वीडियो लाती रहूँगी आपके फ़ायदे के लिए। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। हमारे चैनल में हमेशा स्वागत होता है आपका व्यूअर सब्सक्राइबर। ऐसे ही सपोर्ट देते रहें हमारे चैनल को, आपसे विनती है। थैंक यू सो मच।